हेलो फैमिली, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मुन्ना किचन में। आज हम आपके लिए लेकर आए खिले खिले चावल बनाने की बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो आइए खिले खिले चावल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधे किलो बासमती चावल को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद अब हम इसे पानी में भिगो कर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम एक टोप में 3-4 टोप भर के पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं पानी अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें भिगोए हुए चावल को ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद एक बार हम इस प्रकार से मिला लेंगे। अब हम इसमें आधे नींबू के रस को ऐड कर देंगे। इसके साथ ही अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें एक छोटा चम्मच तेल को भी ऐड कर देंगे ताकि आपके चावल खिले खिले हो, चिपके नहीं, और इसे एक बार कुछ इस प्रकार से मिक्स कर लें। गैस की आंच अब फांसे रहने दीजिए। लगभग 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आपका चावल एकदम अच्छी तरह से पक चुका है। इसी के साथ अब हम इसमें एक लोटे नॉर्मल पानी को ऐड कर देंगे और गैस की आंच बंद करके अब इसके पानी को हम गिरा देंगे। पानी को अच्छी तरह से गिराने के बाद आप देख सकते हैं आपका चावल बनके एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, साथ ही ये काफ़ी खिले खिले हुए हैं। तो आइए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके साथ अब हम एक प्लेट ले लेंगे, उसमें चावल को कुछ इस प्रकार से निकाल लेंगे। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं आपका चावल कितना खिला खिला है, साथ ही काफ़ी लंबा भी हुआ है। इसी के साथ अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई रहेगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।